हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए किचन के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा DIY लेके आई हूँ। अक्सर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हॉर्लिक्स के डिब्बे इस तरह के आते हैं या केक का कोई भी गत्ता होता है तो हम फेंक देते हैं, तो बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। इससे बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही यूजफुल किचन DIY बनने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो हमारा केक का गत्ता है, हम इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करते करते हम इसको भिगो लेंगे अच्छे से। ये पूरा भीगना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए, जब आप इसको इस तरह से मोड़ें तो एक बार जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, हल्के हाथ से धीरे धीरे करके मोड़ें। जब आपको लगे कि हाँ ये अच्छे से गीला होने लगा है तो तब आप हल्के हाथ से, आप देख रहे हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, बस इसी तरह से आपको इस गत्ते को मोड़ना है। बहुत ही जब ये गीला हो जाएगा तो आसानी से मुड़ जाएगा, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हल्के हाथ से धीरे धीरे करके आप इसको इस तरह से मोड़ लीजिए। तो ये बहुत ज्यादा गीला हो चुका था तो ये आसानी से मुड़ गया है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको मोड़ना है और अब हमें इसे धूप में सुखा लेना है एक दिन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको धूप में सुखा लिया था, ये इस तरह का हो चुका है, हमें ऐसा चाहिए। तो देखिए इस तरह से, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, कोई भी कलर शीट ले ले, जो सी भी आपको पसंद हो। तो मेरे पास ये लाइट ग्रीन वाली रखी थी तो मैं इससे इसको कटिंग कर लूंगी, नाप कर कि कितनी हमें शीट चाहिए इस पे लगाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने काट ली थी। और चलिए अब हम इसको इसे चिपका देते हैं ग्लू की हेल्प से। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये साइड में लगा ली है कलर पेपर और अब मैं इसको ऊपर लगाकर दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन DIY बनेगा। तो ये देखिए, हमारा ये तैयार हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने ले ली है कलरफुल टेप। तो आपको जो सी भी पसंद आए आप इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने ये गोल्डन कलर की ले ली है और इनके में साइड के जो कोने होते हैं इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह से लगा दूंगी। ये देखिए, अभी से ही ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हमने दोनों पे लगा लिया है इस तरह से, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से इसे लगाना है टेप को। तो देखिए, मेरे पास कुछ मोती रखे हुए थे, इस तरह के मोती रखे हुए थे। तो चलिए हम इससे भी इसको डेकोरेट करते हैं। यहाँ पर बीच सेंटर में हम एक इस तरह का कोई भी आपके पास स्टोन रखा है इस तरह से लगा ले, या कोई बटन रखा है। तो चलिए अब हम इसे ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। ये देखिए, मैंने सेंटर में इसे इस तरह से लगा दिया है और अब हम मोती लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए हम इसका फूल बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चिपका लिए हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और इस पे भी मैंने इस तरह से चिपकाए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसको हम जो हमारा केक का गत्ता था, जो इस तरह से हम इसे बीच में चिपका लेंगे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल हो गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आखिर बनाया क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। तो मैंने बनाया है टिश्यू पेपर रखने का स्टैंड। ये देखिए, अगर हमारे इस तरह से पन्नी में रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर आप इस तरह से स्टैंड बना के किचन में रखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह से इसमें टिश्यू पेपर रखने हैं। ये देखें, इस तरह से टिश्यू पेपर, चाहे तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, सीधा सीधा भी रख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, या फिर आप इसको मोड़ कर भी रख सकते हैं। मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ इस तरह से, देखिएगा, ये देखिए टिश्यू पेपर को इस तरह से हम मोड़ लेंगे। और इस तरह से हम इसके अंदर इसको डाल देंगे।
ये देखें, चाहे आप इस तरह से भी रख सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा और इजीली निकल भी जाते हैं। ये देखिए है ना, ये किचन के काम की बहुत ही यूजफुल डीआईवाई, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं तो जख रखने जा रही हूँ इसे किचन में। तो देखिए मैंने इसे किचन में रख दिया है, कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए मैं आपको एक दो टिश्यू पेपर निकाल के भी दिखाती हूँ कि कितनी इजीली निकल जाते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये DIY वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।